वर्षीय फिजिक्स है। हम अलमीर उर्दू प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। हम सिक्स ग्रेड में पढ़ते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। अगर हम देखते हैं तो माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए डेटॉल से हाथ धोना चाहिए, जिससे हमारे हाथ की जरासीम स्वस्थ हो जाए। और घर की साफ सफाई के लिए और बाथरूम की साफ सफाई के लिए डेटॉल, लाइजोल, हार्पिक, क्लोरिन, वेनिश का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे घर के जरासीम और मच्छर पैदा हो जाएंगे, जिससे हमारे घर में बीमारी पैदा हो सकती है। और अगर हम उसकी दूसरी तरफ देखें तो हम कचरा अगर अलग अलग रखेंगे तो हमें बहुत फायदे होंगे, जैसे कि गीले कचरे का अलग, मेटल का अलग, पेपर का अलग, ग्लास का अलग। अगर हम गीले कचरे को अलग रखते हैं तो हम खाद तैयार कर सकते हैं, और हम इन सब कचरों को अलग अलग रख के इसका रीयूज कर सकते हैं। और अगर हम पेपर को अलग रखेंगे तो ये भी हमारे इस्तेमाल में आ सकता है। और जब अगर हम गीला कचरा अलग रखते हैं तो उसके ऊपर ढापना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि गीले कचरे के ऊपर जरासीम और मच्छर बहुत जल्दी पैदा होते हैं। इसीलिए जब भी हम गीला कचरा अलग रखें तो उसके ऊपर ढाप देंगे और सभी कचरे पर ढाप देंगे। अब हम आते हैं नशीली चीज़ों की तरफ। मौजूदा दौर में हर नौजवान ये सब नशीली चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहा है, जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल, शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा। अगर हम देखा जाए तो सिगरेट पीता है तो उसके धुएं से आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ होती है, और जब सिगरेट पीता है तो उसके फेफड़े कमजोर होते हैं। और अगर कोई अल्कोहल का इस्तेमाल करता है और उसके साथ अनहेल्दी फूड इस्तेमाल करता है तो उसकी याददाश्त कमजोर होती है और उसके फेफड़े कमजोर होते हैं। और अगर कोई तंबाकू खाता है तो तंबाकू के अंदर निकोटीन की मात्रा पाया जाता है, जिससे उसके दिमाग को सुकून मिलता है। और जब तंबाकू खाकर कोई थूकता है तो उसके जरासीम और उसकी बदबू से बहुत सारे जरासीम मच्छर पैदा होते हैं और आसपास के लोगों को तकलीफ होती है, जिससे देखिए ये जो स्मोक करते हैं ये उनके फेफड़े, और ये जो नॉर्मल होते हैं उनके फेफड़े इस तरह होते हैं। इसीलिए इन सब नशीली चीज़ों से दूर रहे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसके लिए इन सब नशीली चीज़ों से दूर। वेजिटेबल्स एंड अवॉइड फूड जंक फूड। अगर देखा जाए तो जंक फूड मौजूदा दौर में बहुत से लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। इस मसालेदार चीज़ों में जीना मोटा नमक पाया जाता है, जिससे हमारी हड्डियाँ कमजोर होती है। और इससे हमारा अभी तो कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन बाद में बहुत नुकसान होता है। और अगर देखा जाए तो ये वेजिटेबल्स में टमाटर, गाजर, शलजम खाने से हमारे जिस्म में खून पैदा होता है, और भिंडी खाने से हमें कैल्शियम की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत और तवाना रहती है। और हमें शहर में टॉयलेट के आसपास की भी सफाई करनी चाहिए, जिससे वहाँ पर जरासीम पैदा ना हो। अगर शहर के टॉयलेट के आसपास जरासीम पैदा होंगे तो पूरे शहर में बीमारी फैल सकती है। अब हम आते हैं योगा क्लासेस की तरफ। योगा क्लासेस भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये करना भी ज़रूरी है। इससे हमारा जिस्म तवाना और चुस्त रहता है और दिल मजबूत बनता है और खून दौरान होते रहता है। अगर हम योगा करेंगे तो हमारा जिस्म चुस्त रहेगा। पुराने दौर के बुजुर्ग योगा किया करते थे, इसीलिए मौजूदा दौर के बुजुर्ग अभी बहुत चुस्त है। इसीलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि योगा करें। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो वो भी योगा है, क्योंकि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो उसमें ही हमारी एक योगा हो जाती है। और यहाँ पर हमारे आस पास की गंदगी भी साफ करें। अब आते हैं गार्डन की तरफ। गार्डन, अगर हम जब बच्चे खेलते हैं तो उन्हीं लोगों की एक्सरसाइज भी हो जाती है, इसीलिए खेल कूद में भी एक्सरसाइज होती है। और स्कूल में अगर हम देखा जाए तो हमें सफाई किस तरह की जाती है वो भी सिखाते हैं, और लिखने पढ़ने के साथ साथ सफाई किस तरह करें वो भी सिखाते हैं। और हम जब स्कूल में हाथ धोते हैं, वहाँ की अगर साफ सफाई ना